तो दोस्तों, संतों की खोज में हम जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर नदी बह रही है। इस नदी के किनारे हम आ गए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से होती हुई नदी इधर नीचे की ओर जा रही है। काफ़ी बड़े झरने का यहाँ पर निर्माण होता है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो लोगों ने हमें बताया कि बड़ी चट्टान के बगल से होते हुए एक रास्ता गया हुआ है। उधर संत रहते हैं, वहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्लभ है। ये आप देख सकते हैं, इन चट्टानों से होते हुए हमें ऊपर की ओर जाना होता है। उधर संत रहते हैं। अरे, इधर से तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कंदराएँ हैं, इन गुफाएँ हैं, और यहाँ पर पता नहीं कौन से जानवर घुसे हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये देखिए, काफ़ी ख़तरनाक जानवर लगते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। और यदि आप इन आवाज़ों के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। ये देखें, इस तरह के रास्तों से होकर हमें उधर जाना है, संत की कुटिया की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया के अंदर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। इसमें अपना आटा, नमक, भोजन प्रसाद जो भी है वो रखते हैं। देखिए किस तरह की महाराज जी की कच्ची कुटिया है, और यहीं पर अपना महाराज जी भोजन प्रसाद भी बनाते हैं। देखिए किस तरह से संत लोग अपना गंगा जी में स्नान करते हैं और जंगलों में रहकर भजन साधना करते हैं। ये दोस्तों, और ये महात्मा जी यहाँ पर स्नान कर रहे थे जब हम यहाँ पर आए। अभी हम आपको इनकी कुटिया के भी दर्शन करवाएंगे। देखे चारों तरफ महाराज जी की कुटिया ऊपर जंगलों के अंदर बनी हुई है। चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, मंदाकिनी मैया का किनारा, और ऊपर ये महाराज जी की कुटिया है। ये महाराज जी की कुटिया आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह की महाराज जी की कच्ची कुटिया है, और यहीं पर अपना महाराज जी भोजन प्रसाद भी बनाते हैं। महाराज जी, वो उधर क्या है महाराज जी, वो कुटिया के अंदर जो छोटी कुटिया दिख रही है, इसमें आटा नमक रखना पड़ता है। अच्छा, आटा नमक रखने के लिए है। हाँ। अच्छा, नजदीक से महाराज जी देख सकते हैं? हाँ, देखिए। आप महाराज जी खोल के दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया के अंदर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। इसमें अपना आटा, नमक, भोजन प्रसाद जो भी है वो रखते हैं। कुटिया में महाराज जी के कुछ भी दिख नहीं रहा, कुछ बर्तन और पन्ने में कुछ थोड़ी सी सामग्री रखी हुई है। अच्छा, इसमें महाराज जी बंदर नहीं घुसते? नहीं। अच्छा, जानवरों के लिए है बनी है। हाँ। अच्छा, और ये महाराज जी आपका चूल्हा है इधर? हाँ। जी, और इधर डब्बे में क्या रखते हैं? पानी के लिए है? ये पानी के लिए है। अच्छा महाराज जी, आपकी कुटिया खुली हुई है तो कुछ सामान चोरी नहीं होता? चोरी तो नहीं हुआ है सामान। अच्छा, तो महाराज जी भोजन प्रसाद आज बन गया कि नहीं? यहाँ पे भंडारा है। अच्छा, कितने बजे है? 11 बजे है। 11 बजे आज भंडारा में जाएंगे। जी, तो महाराज जी की कुटिया है, कुटिया के पीछे भी कुछ कुटिया बनी हुई है संतों की। और